भगवान श्री राम की जन्मस्थली से चुनावी संदेश, नड्डा अयोध्या के दौरे पर। नड्डा के साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, श्री राम लला के दर्शन का कार्यक्रम। नड्डा ने कहा, करोड़ों लोगों का सपना हुआ साकार। सबसे पहले राम पैड़ी पर आए मुख्यमंत्री, सबने किया दुग्धाभिषेक। सरयू नदी के घाट पर फूलों से सजावट, पूजा अर्चना की विशेष तैयारी। सरयू नदी के तट पर आयोजित की गई सूक्ष्म आरती, जेपी नड्डा के साथ सभी मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल। सरयू तट से हनुमानगढ़ी आए सभी मुख्यमंत्री, यहां भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम। हनुमानगढ़ी के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण स्थल का दौरा, निर्माण कार्य की जानकारी। अयोध्या केस के पक्षकार रहे हाजी महबूब ने कहा, बीजेपी जानती है जमीन खिसक रही है, इसलिए मंदिर मंदिर घूम रहे हैं नेता। इकबाल अंसारी का बयान, अयोध्या में हर जाति धर्म के लोग खुशी से रहते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज हंगामा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी की मांग। लोकसभा में विपक्षी दलों की लगातार नारेबाजी, बार बार स्थगित की गई कार्यवाही। राहुल ने लखीमपुर खीरी पर दिया स्थगन प्रस्ताव, सोनिया संसद में नजर आई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा, अगर मां गंगा में है आस्था तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को करें बर्खास्त। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू द SIT रिपोर्ट इट हैज बीन इलोक्वेंटली एस्टैब्लिश्ड that the concerned minister was in cahoots with the gruesome incident. Rahul ne kaha, sarkar sansad mein charcha nahi karne de rahi. Taya hai aur unke jo mantri hain usme ye involved hain, to humne kaha kam se kam discussion to allow hona chahiye, magar wo discussion nahi karna chahta. Taya hai. विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कार्यवाही चलने नहीं दे रहे विपक्ष के नेता। विपक्षी दल राज्यसभा की कार्यवाही को चलने नहीं दे रहे हैं, बार बार कार्यवाही में बाधाएं डाल रहे हैं। और लखीमपुर कांड पर सांसद जया बच्चन ने कहा, यूपी में चुनाव, इसलिए मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रही बीजेपी। आज से यूपी विधानसभा का 3 दिनों का सत्र शुरू, मुख्यमंत्री योगी ने कार्यवाही से पहले बुलाई सर्वदलीय बैठक। विपक्ष की तरफ से सरकार के विरुद्ध घेराबंदी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने किया प्रदर्शन। महंगाई को लेकर भी सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल, गन्ना और सिलेंडर के साथ किया प्रदर्शन। 17 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा, निषाद सभा को करेंगे संबोधित। 18 को लूनी जाएंगे अमित शाह, सहकार सम्मेलन और मेडिकल कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। आज जौनपुर में अखिलेश विजय यात्रा का दूसरा दिन। 5 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी यात्रा, 5ों क्षेत्र में जनसभा अखिलेश। अखिलेश की जनसभा में उमड़ी भीड़, काफिले में लोग शामिल। अखिलेश ने कहा, लाल टोपी पर पहले बीजेपी ने किया था व्यंग, चुनाव के मुद्दे से भटकाने की थी कोशिश। भावनाओं को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती, ये इमोशन का रंग है। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, 18 दिसंबर को महंगाई के मुद्दे पर अमेठी में पदयात्रा करेंगे राहुल। 19 दिसंबर को रायबरेली में प्रियंका की रैली, टाउन हॉल कार्यक्रम में महिलाओं के साथ करेगी बातचीत। ग्वालियर के आदिवासी क्षेत्र में पीएम आवास योजना में धांधली, सीमेंट की जगह मिट्टी का इस्तेमाल। जांच के लिए पंचायत मंत्री ने बनाई उच्च स्तरीय कमेटी, कार्रवाई का दिया भरोसा। जमुई में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होते ही श्रेय लेने की होड़, चिराग पासवान ने कहा, केंद्र की योजना। आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जालंधर में तिरंगा मार्च निकाला।
दौरे पर बोली अकाली दल नेता हरसिमरत कौर, पहले दिल्ली में किए गए वादे तो पूरे कर लीजिए, फिर पंजाबियों को सपने दिखाइए। बांग्लादेश के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे ढाका, एयरपोर्ट पर राजकीय स्वागत। बांग्लादेश मना रहा है 1971 के विजय की गोल्डन जुबली, राष्ट्रपति कोविंद होंगे इसमें शामिल। देहरादून में है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सैनिक सम्मान यात्रा में शामिल। गाजीपुर बॉर्डर को खाली करने की तैयारी, वापस लौट रहे हैं किसान। किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर किया हवन, आंदोलन में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि। 383 दिन बाद गाजीपुर बॉर्डर से लौटे किसान और टिकैत, हवन के बाद सिसौली के लिए टिकैत रवाना। गाजीपुर से मोदीनगर, मेरठ, तौराला, टोल प्लाजा, मंसूरपुर होते हुए सिसौली पहुंचेंगे टिकैत, स्वागत की जगह जगह तैयारी। गाजीपुर से सिसौली तक कई जगहों पर भंडारे का आयोजन, सिसौली के किसान भवन को सजाया गया। गाजीपुर पर जश्न का माहौल, नाच गाए किसान। गाजीपुर छोड़ते समय टिकैत ने अपनी झोपड़ी पर टेका मत्था, कहा यादगार के तौर पर इसे हम साथ ले जाएंगे। सब लोग जा रहे धीरे धीरे, ये सिर्फ यादें रहेंगी, अब जो किसने पिक्चर खींच ली वो रहेगी, जो किसी के दिमाग में पिक्चर है इसकी वो रहेंगे, सारे के सारे वो हमेशा जिंदा रहेंगी। सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मार्च, धरना रुका, अखंड पाठ की भूख के साथ लौटे किसान। फतेहाबाद में किसान नेता जनरल सिंह ने कहा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को तुरंत बर्खास्त करे सरकार। कन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, बेंगलुरु में चल रहा था इलाज। हादसे में बुरी तरह से घायल हो गए थे वरुण, हार गए जिंदगी की जंग। वायुसेना की तरफ से जानकारी, परिवार के प्रति संवेदना। शौर्य चक्र विजेता थे ग्रुप कैप्टन वरुण, इंजन बंद होने पर तेजस की कराई थी इमरजेंसी लैंडिंग। 8 दिसंबर के कुन्नूर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सभी 14 लोगों की मौत हो गई, पीएम ने दी सभी को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों से मुठभेड़, मारा गया आतंकवादी। राजपुरा में घटना, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। आतंकी की पहचान हुई, हिजबुल मुजाहिदीन का है यह आतंकी। शोपिया का रहने वाला है आतंकी फिरोज अहमद डार, 2017 में हिजबुल के साथ जुड़ गया था। पाक अधिकृत कश्मीर के डडियाल में विरोध प्रदर्शन, नाबालिग की गैंगरेप के बाद हत्या को लेकर प्रदर्शन। पश्चिमी गोदावरी में बड़ा हादसा, नदी में गिरी बस। हादसे में अब तक 9 लोगों के शव बरामद, बस में सवार थे 47 यात्री। गुजरात के दाहौद में गिराई गई पुरानी इमारत, विस्फोटक का इस्तेमाल। बिहार के तारापुर अस्पताल परिसर में मिली शराब की खाली बोतलें, जांच के आदेश। आरजेडी ने जारी किया वीडियो, नशे में धुत पुलिस वाला महिला के साथ कर रहा था बदसलूकी। वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद कोहली पहली बार मीडिया के सामने आए, कहा सब कुछ पहले से तय। विराट ने कहा कप्तानी से हटाने के निर्णय को लेकर उनसे कोई बात कभी नहीं हुई। विराट का बयान, बीसीसीआई से कभी आराम नहीं मांगा। रोहित के साथ रिश्तों को लेकर विराट कोहली ने कहा कोई टकराव नहीं। कल 3 टेस्ट खेलने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगी भारतीय टीम। नोएडा में कोरोना के नए मामले मिले, विदेश से आए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल दिल्ली भेजे गए, रिपोर्ट का है सभी का इंतजार। एक परिवार नोएडा में इंग्लैंड से लौटा, दूसरा सिंगापुर से, सभी पॉजिटिव। नोएडा में 1100 लोग हाई रिस्क वाले देशों से आए हैं, घर घर जाकर सभी के लिए जा रहे हैं सैंपल। विदेश से अब तक लौट आए हैं 4729 यात्री, ये सभी नोएडा में हैं,
2600 को ही किया जा सका है अभी तक ट्रैक। महाराष्ट्र में सामने आए ओमिक्रॉन के 8 नए मरीज, 28 पर राज्य के मरीजों की संख्या। हमारे देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 64 मरीज हुए हैं, तेलंगाना में सामने आए 3 मरीज। करीना कपूर ने सोशल मीडिया पर लिखा, पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद खुद को मैंने किया आइसोलेट। करीना ने लिखा, परिवार और सभी स्टाफ को लग चुकी हैं दोनों डोज, किसी में अब कोई लक्षण नहीं। किरण जौहर के परिवार के लोगों की रिपोर्ट आ गई, सभी नेगेटिव हैं। गुजरात में कोरोना से 2200 लोगों की मौत। कुल आंकड़ा 22,000 तक पहुंचा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में कोरोना से 10,099 लोगों की गई है जान। अहमदाबाद के रहने वाले 75 साल के यशवंत दोषी ने कहा, पत्नी की कोरोना से मौत, लेकिन सर्टिफिकेट पर कोरोना से मौत नहीं लिखा। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाड़ी का दावा, गुजरात में कोरोना से 3,00,000 लोगों की मौत हुई है, सभी को मिलना चाहिए मुआवजा। बिहार के सहरसा में कोरोना वैक्सीनेशन रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा, कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल। रायबरेली में शहीद शैलेंद्र प्रताप सिंह की बहन की शादी में पहुंचे सीआरपीएफ के जवान, भाई की रस्में सभी जवानों ने निभाई। फूलों की चादर के साथ शहीद की बहन को स्टेज तक सभी जवान ले गए, पिता हुए भावुक। शीतलहरी की चपेट में है राजस्थान, हनुमानगढ़ी में 4 के करीब पहुंच गया न्यूनतम तापमान। शिमला में लुढ़का पारा, कुफरी में बर्फबारी का इंतजार। पर्यटकों को से गुलजार उत्तराखंड का ओली, पिछले हफ्ते हुई जमकर बर्फबारी। यूपी की बस्ती में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। दिल्ली में गहने की दुकान से चोर ने उड़ाई सोने की अंगूठी, सीसीटीवी फायर। कानपुर में पुलिस का बैर है मचहरा, 2 महीने बाद भी नाबालिग के साथ गैंगरेप करने वाले दरिंदे आजाद हैं। बच्ची को जन्म देते समय पीड़ित बच्ची की हुई मौत, इंसाफ की आस में बिलखते रहे माता पिता। महाराष्ट्र के बुलढाणा में पशु चोरों का आतंक, चोरी का वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। स्पेन के लापालमा द्वीप पर ज्वालामुखी अब हुआ शांत, चारों तरफ बिखर गई काली राख, रिहायशी इलाकों सड़क गाड़ियों पर राख ही राख। कोलंबिया के एयरपोर्ट पर बमबारी, 3 नागरिकों की मौत। ब्राजील में शानी लगा क्रिसमस का खुमार, व्यापारियों को इस साल बहुत अच्छी कमाई की उम्मीद। यूरोपीय देश सर्बिया में जमकर हो रही है बर्फबारी, यातायात दुरुस्त करने के लिए सरकार को करनी पड़ रही है बहुत मेहनत। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में भव्य अंदाज में मना सेंट लूसिया दिवस, 700 से ज्यादा नावों की प्रदर्शनी।